शहर के कस्बे जलालाबाद में मोहल्ला कानून गोयान में सोमवार वाली बाजार निकट वाल्मीकि मंदिर के पीछे खड़ी मारुति वैन में वाहन स्वामी मुकेश गुप्ता पुत्र कपूरी गुप्ता द्वारा वैन में गैस डालते समय आग लग गई। वैन में आग लगते देख वाहन स्वामी ने किसी तरह सिलेंडर तो हटा लिया पर आग पर काबू न पा सका। देखते ही देखते आग ने इतना भीषण रूप ले लिया जिसको देखकर स्थानीय लोगों में हाहाकार मच गया। किसी तरह लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। जनपद में कई जगह अवैध रिफिलिंग का काम हो रहा है, इसकी जानकारी भी शासन और प्रशासन को है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अवैध रिफिलिंग करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सूचना पाकर मौके पर जलालाबाद कोतवाल संजय कुमार पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अवैध गैस रिफिलिंग बाल करने वाला मुकेश मौके से फरार है। क्या सिलेंडर मुकेश जब आग लगी सिलेंडर बचाए रहेगा? सुनो हमारे मुकेश गैस भर रहे थे और उसके बाद जब गैस भर गई एक सिलेंडर दूसरा लगाया तो चिमटी बैटरी से हिल गई, उसमें चिंगारी लगने उठने से गाड़ी में आग लग गई। इसी कारण मुकेश जो दूसरा सिलेंडर डाल रहे थे उससे लेके भाग गए।